Now, let me discuss problem number 1.267. Once again, the problem is over rotational dynamics and discussed in my lecture class. It's there in DPS 14. Just refer DPS 14 and problem number 18. And you will find the detailed discussion of problem number 1.267. And it's almost at the end of rotational dynamics. If you are able to solve such type of problems, you are thorough with rotational dynamics, you would definitely solve any kind of problem that would appear in IIT JEE mains or advanced from rotational dynamics, not only from rotational dynamics. In fact, you would be master with mechanics. The complete mechanics would be under your grip once you develop this level of problem number 1.267. Just have a look. A uniform sphere of mass n and radius r rolls without sliding over a horizontal plane, rotating about an axle O. In the process, center of the sphere moves with velocity v about a circle r. Find the सिचुएशन उन्होंने साफ साफ समझा रखी है. इधर से एक एक्सेल पास हो रहा है, इस एक्सेल के अबाउट यह स्फीयर, स्फीयर का सेंटर वी वेलोसिटी से, स्फीयर ऐसे भी घूमता जा रहा है और स्फीयर ऐसे भी घूमता. स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर है, मास एम है और यहां से यहां तक यह रेडियस कैपिटल आर है. दो एक्सेस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, एक तो इस एक्सेस के अबाउट ओमेगा वन, वेयर दिस ओमेगा वन इज वी बाय आर, ऐसे ऐसे, और इस एक्सेस के अबाउट ओमेगा टू, वे आर ओमेगा टू इज वी बाय कैपिटल आर. अब सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पूछिए. हम कहते हैं एक तो इस एक्सेस के अबाउट जो रोटेशन है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी आई, स्फीयर की डायमेट्रिक एक्सेस ओमेगा वन स्क्वायर, और एक इस एक्सेस के अबाउट जो काइनेटिक एनर्जी इसकी वजह से होगी हाफ, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा टू स्क्वायर. ओके, प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ इंटू 2/5 एम स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ओमेगा वन की जगह वी बाय आर होल स्क्वायर, और इधर हाफ आई की जगह 2/5 स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एम कैपिटल आर स्क्वायर पैरेलल एक्सिस टू ओमेगा टू की जगह वी बाय आर होल स्क्वायर. तो यह हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल्ड, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल्ड, 1/5 एन वी स्क्वायर प्लस. इधर हम कहेंगे 2 से यह 2 कैंसिल्ड, 1/5 एम आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ
mv square. इस तरह से यह काइनेटिक एनर्जी दिखने लगी, 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 2 जो हो गया 7 बाय 10. प्लस 1 बाय 5 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू एम वी स्क्वायर. This is the kinetic energy. और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं.